नमस्कार, मैं भारत पंचवाल, स्वागत करता हूं आपका एसीएन भारत में। ये रुक करते हैं एसीएन रफ्तार की। फलेरा कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, विद्यालयों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। मच्छर जनित बीमारियों को लेकर लोगों को करें जागरूक, ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को कहा। छतरपुर में शांति समिति की बैठक का आयोजन, लोगों से भ्रामक जानकारी न फैलाने की अपील। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर रहेगी कड़ी नजर। छतरपुर में लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग, कलेक्ट्रेट में युवाओं ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से की जा रही मांग, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नेपालगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन, स्वच्छता दूतों का किया सम्मान, स्वच्छता रैली का हुआ आयोजन। अशोकनगर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, खेत में खड़े होकर किसानों ने बजाई थालियां। अतिवृष्टि से खराब फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अलीराजपुर में चांदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 51 पेटी विदेशी शराब जब्त, 1,46,880 बताई जा रही कीमत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैतूल ड्रोन से पुलिस करेगी गरबे की निगरानी, कानून व्यवस्था बनाए रखने की विशेष इंतजाम। ध्वनि प्रदूषण समय सीमा से जुड़ी शर्तें रखी, शहर में कुल 12 स्थानों पर होगा गरबा महोत्सव। मंदसौर में योजना समिति की बैठक में पहुंचे दंपत्ति, राजस्व अमले ने कमरे में किया बंद। आनंद फानंद में बनाई गई जांच टीम, भूमि के बंटवारे को लेकर काफी परेशान। चित्रकूट में किसान मोर्चा का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम का सौंपा ज्ञापन। 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, वनाधिकारी के पट्टे दिलाए जाने की मांग। ग्वालियर में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ समापन। मद निषेध सप्ताह के पहले दिन हुई शुरुआत, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। उज्जैन में नेशनल क्लीन प्रोग्राम के तहत साइकिल रैली, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया माल्यार्पण, सफाई मित्रों का किया सम्मान। भोपाल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। कन्वेंशन सेंटर पर बापू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। ओंकारेश्वर में पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों की विदाई, नर्मदा तट पर उमड़ा जन सैलाब। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पुलिस प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उज्जैन में पितृमोक्ष अमावस्या पर श्रद्धालु का जमावड़ा, 52 कुंड में स्नान करने पहुंच रहे लोग। डुबकी लगाने से कष्ट दूर होने की मान्यता, शिप्रा नदी के रामघाट पर लगी भीड़। उज्जैन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित। शहीद पार्क से शोभा यात्रा निकाली गई, महान नेताओं को याद करते हुए भावुक हुए कांग्रेस। महेश्वर में गांधी जयंती के अवसर पर हुआ आयोजन, श्रमदान और साफ सफाई की गई। नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी ने किया श्रमदान, सफाई कर्मचारियों का किया सम्मान। पुनासा में सर्व पितृ पक्ष मोक्ष अमावस्या, पितरों के तर्पण पर मां नर्मदा पर किया स्नान। बड़ी संख्या में सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचे श्रद्धालु, हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने किए दर्शन। इंदौर में यातायात सुगमता के लिए येलो बॉक्स पद्धति हुई शुरू, शहर के कई प्रमुख चौराहों पर बनाया गया येलो बॉक्स, वाहनों को क्रॉस करने में आसानी होगी। येलो बॉक्स में पैदल चलकर जाने पर कार्रवाई। महेश्वर में नवदुर्गा उत्सव की तैयारियां जोरों पर, माता के मंदिरों की तैयारी अंतिम दौर में। गरबा पांडालों ने भी की अपनी अपनी तैयारियां, आशापुरी माता मंदिर में होगा विशेष आयोजन। इंदौर गांधी जयंती पर रिहा हुए कैदी, सेंट्रल जेल से रिहा हुए 6 बंदी। पिछले साल से शुरू हुई परंपरा, बापू की मंशा को किया चरितार्थ। आस्था में विट यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ की शिकायत, यूनिवर्सिटी द्वारा सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया। सैकड़ों की संख्या में किसान विधायक से मिले, विधायक को किसानों ने अपनी समस्या से कराया अवगत। भोपाल दशहरा पर प्रभारी मंत्री करेंगे शस्त्र पूजन, डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश। महेश्वर में सीएम करेंगे शस्त्र पूजन, पुलिस कमिश्नर ले रहे तैयारियों का जायजा। पन्ना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, बापू और शास्त्री को किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। इंदौर में दिवाली की तारीख पर भ्रम, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को होगी दिवाली। शोध अध्येताओं की बैठक का आयोजन, 1 नवंबर को दिवाली बनाने का हुआ निर्णय। रायसेन मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत, वहां रैली का हुआ आयोजन। कलेक्टर अरविंद दुबे ने दिखाई हरी झंडी, नशे के सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया। बैतूल पुलिस की बत्ती लगाकर घूम रही कार को पकड़ा यातायात, पुलिस ने बत्ती जब्त कर ली। चालान चालक के बत्ती से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, छत्तीसगढ़ से बैतूल आई थी कार। हरसुद में सिविल अस्पताल में बर्थ वेटिंग रूम का उद्घाटन, 3 गर्भवती महिलाओं को कराया गया भर्ती। आशा कार्यकर्ताओं से जागरूकता फैलाने की अपील, गर्भवतियों को वीआईपी सुविधाएं देने की कही बात। महितपुर में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसल खराब, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। विधायक दिनेश जैन पहुंचे किसानों के बीच, किसानों को मुआवजा दिलाने की उम्मीद। वारदात के आरोपी गिरफ्तार, 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परदेशीपुरा थाने क्षेत्र का मामला, पुरानी रंजिश के चलते की थी वारदात। रायसेन मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत, वहां रैली का हुआ आयोजन। कलेक्टर अरविंद दुबे ने दिखाई हरी झंडी, नशे के सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया।
बेतुल पुलिस की बत्ती लगाकर घूम रही कार को पकड़ा जाता है। पुलिस ने बत्ती जब्त कर ली। चालान चालक के बत्ती से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। छत्तीसगढ़ से बेतुल आई थी कार। हरसूद में सिविल अस्पताल में बर्थ वेटिंग रूम का उद्घाटन। 3 गर्भवती महिलाओं को कराया गया भर्ती। आशा कार्यकर्ताओं से जागरूकता फैलाने की अपील। गर्भवतियों को VIP सुविधाएं देने की कही बात। महितपुर में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसल खराब। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। विधायक दिनेश जैन पहुंचे किसानों के बीच। किसानों को मुआवजा दिलाने की उम्मीद। रायसेन में खाद से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। ग्वालियर महात्मा गांधी जी की जयंती पर नवाचार। ग्वालियर में विकास का नया अध्याय जुड़ गया। आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बायो CNG प्लांट का शुभारंभ। PM मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। बालाघाट में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित। उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में हुआ कार्यक्रम। जन जागरूक रैली निकाली गई। इस मौके पर रक्तदान भी हुआ। मैतपुर में 33 kV वोल्ट की केबल में फॉल्ट। बड़ी घटना होते होते टली रहवासियों ने अधिकारियों से की शिकायत। विधायक दिनेश जैन ने दिया आश्वासन। और फिलहाल के लिए ACN रफ्तार में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ACN भारत के साथ।